हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जी पी एस ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस होप यू आर एन्जॉइंग योर क्लासेज एट होम एंड डूइंग वेल वी विल टेकअप फॉर्मल लेटर राइटिंग टूडे इन विच वी विल कवर लेटर टू एडिटर स्लाइड में आप देख लेंगे कि लेटर फॉर्मल लेटर की कितनी टाइप्स हैं और हम इस वाले टाइप पर आज फोकस कर रहे हैं लेटर टू एडिटर लिखा जाता है जब हम अपने कोई व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी सोशल टॉपिक को नेशनल टॉपिक को या या फिर इंटरनेशनल टॉपिक को लेकर दूसरा हम किसी डिपार्टमेंट से किसी डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है हमारी कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही है तब हम इस प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर के थ्रू हाईलाइट भी करते हैं यह भी हम समझ जाएंगे दूसरे एग्जाम्पल से लेटेस्ट फोकस

एड्रेस लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस आपका अपना एड्रेस ये जनरली थ्री लाइंस में होता है जैसे आप लिखेंगे पुष्प विहार उसके बाद लिख देंगे आप न्यू कॉलोनी और नीचे न्यू दिल्ली थ्री लाइंस में एड्रेस हो गया ऑल राइट या आपका कोई भी जो भी आपका होम एड्रेस है आप वो लिख सकते हैं ये एग्जांपल लिया गया है आफ्टर दैट यू हैव टू लीव वन लाइन लीव वन लाइन वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिंग स्पेस देना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आफ्टर लीव आफ्टर राइटिंग योर एड्रेस जो आपका एड्रेस है सेंडर का मतलब आप लिख रहे हैं ना न्यूज़ पेपर में आप ही भेज रहे हैं तो आप छोड़ देंगे एक लाइन एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे जो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं जैसे एट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी इसमें आप ना तो हाइफन डालेंगे ऐसे करके स्लैश uh, ना हाइफ़न डालेंगे जिसको हम डैश वाली फॉर्म शेप कहते हैं आपको इस तरह से डिजिट्स में और वर्ड्स में लिखना होता है उसके बाद फिर आपने एक, एक लाइन छोड़ दी यू हैव यू विल वंस अगेन लीव अ लाइन ओके स्पेसिंग आपने देखा डेट लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है so, सो डेट के ऊपर एक लाइन छूटेगी और उसके डेट के बाद यू विल लीव वन लाइन देन वी मूव टू द एडिटर एडिटर जो न्यूज़ पेपर को संभालता है सारे न्यूज़ वगैरह को कंट्रोल करता है न्यूज़ पेपर का सब कुछ करने वाला वही होता है द एडिटर न्यूज़ पेपर जो पर्सन है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं जो हमारा लेटर रिसीव करेगा उससे हम बोलते हैं रिसीवर उसका डेजिंगनेशन पोस्ट क्या है पोस्ट है उसका द एडिटर और उसका एड्रेस क्या है उसका वो मैगजीन का है न्यूज़ पेपर का नाम इंडिया टुडे और न्यू डेली यहाँ पर डेली एड्रेस है उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ भी सकते हैं या नहीं छोड़ें इट्स ऑल अप टू यू इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन आप सब्जेक्ट लिखेंगे फुल एस यू बी नहीं पूरा वर्ड लिखेंगे और अब आप देखिए बैन पॉली बैग्स बहुत छोटा हमने सब्जेक्ट स्टेटमेंट लिखा है मतलब सब्जेक्ट जो लिखा है उसको बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं हमने क्वेश्चन में पढ़ा और उसके बाद जो सारी लाइन लिखी हुई थी वही लिख दिया वी डू नॉट डू सो सो यू हैव टू माइंड इट ध्यान रखना इस बात का आफ्टर द सब्जेक्ट यू मे लीव वन लाइन लाइन को छोड़ने का यह पर्पज होता है कि हम क्लैरिटी को बढ़ा रहे होते हैं ओके यू यू मे लीव वन लाइन आफ्ट दैट सर लेफ्ट हैंड साइड पर यू आर यूजिंग नो कॉमाज एनी वेयर ओके कोई कॉमा नहीं यूज करना है आपको सर सर मीन सैल्यूटेशन ओके फिर देखिए बिकॉज द वर्ड लिमिट इज नॉट मच इट इज इट्स अराउंड वन हंड्रेड एंड वन ट्वेंटी सौ से एक सौ बीस वर्ड्स का होता है इसलिए हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज बिल्कुल टू द पॉइंट फोकस्ड वे में लिखना होगा अब देखिए पहले पैराग्राफ में हम लिखने जा रहे हैं डिटेल राइट थोड़ी सी फिर हम वाई बैन पॉली पॉली बैग्स और उसके बाद में क्या क्या स्टेप्स लिए जाए ऑल राइट सो वी बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ सर के बाद लेट मी जूम इट अपन मिनट आई टोटली अग्री व्यूज पब्लिश्ड इन द आर्टिकल बैन पॉली बैग्स कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर जिसमें कहा गया है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया बैन पॉली बैग्स तो उसको लेकर वो हाईलाइट कर रहा है इस प्रॉब्लम को कि मैं कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ जो इस मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर में व्यूज़ लिखे हैं जिस आर्टिकल में उसमें लिखा है बैन पॉली बैग्स तो उसने स्टूडेंट ने इसको पढ़ा है मैगज़ीन या या फिर न्यूज़पेपर में और ये कहा है कि मैं सपोर्ट करता हूँ तो क्वेश्चन हो गया कि हम क्यों लिख रहे हैं लेटर ये फिर देखिए इट इज़ अ फैट दैट पॉली बैग्स आर हार्मफुल आप बता दिया कि उसका रीज़न क्या है क्यों हम पहली बात बता दी कि हम लिख के हो रहे हैं कि पॉली बैग्स अच्छी नहीं है अब क्यों नहीं है उसका क्या इफेक्ट है पॉली बैग्स आर इट इज़ अ फैक्ट ये सच्चाई है दैट पॉली बैग्स आर हार्मुल पॉली बैग्स नुकसानदायक हैं ड्यू टू दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल क्योंकि वो जल्दी से ख़त्म नहीं होती हैं नेचर में सिंपल नहीं बनती नॉन पॉइजनस नहीं बनती हैं या टूटती नहीं है आप इसको हिंदी में कह सकते हो कैसे अगर हम संतरे का छिलका रख देंगे तो कुछ दिनों के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है संतरे का छिलका नहीं रहता सूख कर लेकिन पॉलीथिन या पॉली या शार्पनर प्लास्टिक के ऐसे नहीं होते सो so, उसमें कहा गया ड्यू टू देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी होती है डोंट डी कम्पोज वो टूट कर छोटे नहीं होते हैं यहां पर हमें डो नॉट लिखना होगा क्योंकि तो हम अब्रीविएशंस नहीं लिखते हैं इन स्टेट इसके बदले दे चौक द ड्रेनेज वो चौक का मतलब रोक देना रास्ता या कोई पाइप वगैरह जैसे हमारा गला भी रुक जाता है कई बार ड्रेनेज सिस्टम कि वो नालियों का या पाइप्स का सिस्टम रोक देते हैं पानी वगैरह ब्लॉक कर देते हैं मोस्ट एनिमल्स ज़्यादातर एनिमल्स ईट दैम उनको खा जाते हैं एंड डाई इन द लॉन्ग रन और काफ़ी दिनों के बाद या महीनों के बाद या कभी भी वो मर जाते हैं तो पॉलीथीन का नुकसान बताया जा रहा है कि क्यों नुकसान क्या नुकसान है नेचर पर नुकसान है उसके अलावा एनिमल्स पर नुकसान है इफ़ दे आर बर्नड अब देखिए हवा पर नुकसान बता रहे हैं अगर उसको जलाया जाता है पैसे वॉइस इफ दे आर बर्नड अगर उसको जलाया जाता है पास स्मेल अब यहां पर वोकेबलेरी को भी हम काउंट करता है जो एग्जामिनर होते हैं वो वोकेबले को काउंट करते हैं यहां पर आप जो हार्मफुल या ऑबनोक्श वर्ड लिखा हुआ है इसको आप अंडरलाइन भी करेंगे क्लास में भी रजिस्टर में भी और एग्जाम के अंदर भी देअ ऑबनोक्शस स्मेल उनकी जो पॉइजनस स्मेल है हार्मफुल स्मेल है पल्यूट द एटमोस्फियर वो वातावरण को पल्यूट कर देती है आप नोट करते जाइए हिंदी में इसको आप जो वर्ड्स के साथ उसका मीनिंग है वो नोट करते रहिए हार्मफुल ऑल राइट डिकम्पोज ब्रेक डाउन इंस्टेड इन प्लेस ऑफ इंस्टेड का मतलब इसके बदले कुछ और हो जाना वो वाली बात ठीक है इन प्लेस ऑफ देन नेक्स्ट पैराग्राफ वन लाइन लीव वन लाइन पैराग्राफ्स के बीच में हमको लाइन छोड़नी है चाहे प, चाहे हम एक लाइन का पैराग्राफ लिख रहे हो और राइट तो अब देखिए चेंज पैराग्राफ विद चेंज इन पॉइंट ये यही पेंशन किया गया आपको कि पैराग्राफ चेंज करना है क्योंकि हमारा पॉइंट जो पहले था उससे अब बदल गया है अब क्या बता रहे हैं आई रिक्वेस्ट द पीपल एट लार्ज मैं जितने भी एक लोगों का ग्रुप है सारे लोगों को कलेक्टिवली रिक्वेस्ट करता हूँ इन देयर इंटरेस्ट कि ये उनकी भलाई है एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मदर अर्थ और जो अर्थ है मदर हमारी उसकी भलाई के लिए भी टू वेक अप कि हम जाग जाएं टू दिस प्रॉब्लम इस समस्या को लेकर जागने का मतलब हम इसके लिए बहुत सजग हो जाएं एवरी वन शुड स्टॉप हर किसी को स्टॉप हो जाना चाहिए रुक जाना चाहिए राइट right, देखिए वाई बैन पॉली बैग्स को हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर बता दिया अब इसमें क्या आना शुरू हो गया अब पॉइंट की हम अपील कर रहे हैं लोगों से मेजर्स दैट शुड बी टेकन हम अपील कर रहे हैं वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो हम तरीके कि किससे हम क्या कर सकते हैं एवरी वन शुड स्टॉप यूजिंग पॉली बैग्स हर किसी को पॉली बैग्स यूज़ करना बंद कर देना चाहिए अब उसका उसकी जगह क्या करें फिर सोल्यूशन सजेशन जूट बैग्स पेपर बैग्स एट्सट्रा ये जो बैग्स हैं जूट का या पेपर का शुड बी शुड टेक देयर प्लेस या शुड बी यूज उसका यूज़ करना चाहिए उसकी प्लेस पे। तो हमने ये भी बता दिया कि क्या हम इसका तरीका हमने सुझाव भी दे दिया हमने ये बता दिया क्यों वो नुकसानदायक है सभी पॉइंट्स को देखो कितना क्लियरली बताया गया है इसके अंदर ब्यूटिफुली बताएगा नेवर यूज़ पॉस इन योर्स नेक्स्ट पैर हम इसके बाद आ रहे हैं यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ सकते हैं थैंक यू या थैंकिंग यू जो उन दोनों आ सकता है थैंकिंग यू या थैंक यू इसमें वाई स्मॉल टी कैपिटल योर्स ट्रूली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत मिस्टेक्स होती हैं वाई कैपिटल लेकिन टी स्मॉल और दूसरी चीज़ जनरली बच्चे यहाँ पर जॉर्स में एस के ऊपर कॉम आज से पोस्ट ऑफी एस डाल देते हैं एंड इट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक आफ्टर दैट जो लिखने वाला है जैसे आपका नाम है या क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं दिया है तो आप इसमें ए बी सी लिख सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं राइट फुल नेम इफ़ इट इज गिवन अगर आपको नाम गिवन है तो फुल नेम अदरवाइज यू कैन राइट पी क्यू आर ए बी सी वॉट एवर तो हमने देखा कि किस तरह से स्पेस डिटेल ये देकर हम इस लेटर को लिख सकते हैं लेटर टू एडिटर को इट्स इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेटर जो हमारे टेंथ क्लास में लेटर्स हैं उसके हिसाब से वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट लेटर्स है ये आई होप यू अंडरस्टैंड दिस और आपको एक वर्कशीट भी मिल जाएगी एक क्वेश्चन मिल सकता है ओके सो आई होप वी विल मीट इन द इन द फॉलोइंग वीडियो इन द मीन टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बी हैप्पी एंड हेल्दी थैंक यू सो मच Goodbye.